हरियाणा में किसानों ने सड़कें जाम करके सरकार विरोधी नारे लगाए। यमुनानगर में टोल प्लाजा पर किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी के नेतृत्व में चंडीगढ़ हरिद्वार नेशनल हाईवे जाम किया गया। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा, लेकिन किसी ने भी आंदोलनकारियों को हटाने का प्रयास नहीं किया। किसानों ने सरकार विरोधी नारेबाजी की। 12 बजे से लेकर 3 बजे तक इस आंदोलन में हजारों की संख्या में किसान टोल प्लाजा पर पहुंचे। मीडिया से बातचीत करते हुए भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि अध्यादेश को कानून का रूप देकर ऐसा ढांचा खड़ा किया जा रहा है जिससे खाद्य सामग्री को कुछ लोग खरीदेंगे और फिर पूरे देश में बेचेंगे। उन्होंने कहा कि ये लोग कम से कम में खरीद कर अधिक से अधिक में इसे बेचना चाहते हैं। इसी को लेकर किसानों में भारी गुस्सा है और यह गुस्सा अब सरकार को दिखाया जा रहा है। बाद में यह गुस्सा लड़ाई में बदलेगा, फिर चाहे सरकार लाठी मारे या गोली मारे, फिर सरकार से यह संभलने वाला नहीं रहेगा। न्यूज वन हरियाणा के लिए यमुनानगर से हरीश कोहली की रिपोर्ट। शांतिपूर्ण स्थिति रही है, तो शांति सिंह ने अपने ड्यूटी मजिस्ट्रेट से अपॉइंट कर दिए थे, पुलिस फोर्स अप्लाई कर दी गई है, एम्बुलेंसेज लगा दी गई थी और हमारे पिकअप वैंस थी वो लगा दी गई थी। तो ओवरऑल ये पूरी तरह शांतिपूर्ण प्रदर्शन रहा है और ट्रैफिक को डाइवर्ट करने के लिए नाके लगा दी गई। देखिए कॉल थी 12 से 3 पहले जॉब कर रहे थे, तो हमारा प्रयास ये था कि कानून व्यवस्था की स्थिति किसी भी तरीके से खराब ना हो, किसी भी शख्स को कानून के हाथ में लेने की ऐसा ऐसी कुछ स्थिति पैदा ना हो। पुलिस फोर्स यहाँ पे मौजूद है और धरना इनका चल रहा है, आम पब्लिक को इनकन्वीनियंस ना हो इसके लिए हमने 14 नाके ट्रैफिक ड्राइवर देख के लगाए थे और मैंने उड़ीस साहब ने रिले का राउंड लिया तो हमने ये पाया कि ट्रैफिक जो डाइवर्जन है वो बड़ी एफिशिएंटली किया जा रहा है और आम पब्लिक में किसी तरह की इनकन्वीनियंस नहीं हुई है। हमने प्रॉपर फ्लैक्स बोर्ड लगा के हर एक डाइवर्जन पॉइंट पर पुलिस फोर्स लगा के लोगों को बिल्कुल प्रॉपरली गाइड किया। और जहाँ तक धरने की बात है, मैं और सबसे मौजूद पुलिस फोर्स सेक्टर या पुलिस पर मौजूद कानून व्यवस्था की स्थिति को पूरी तरह से